तो टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दीपक जी, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है आप। नहीं, अच्छा, आप मोबाइल फोन से ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, मैं सेशन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में जब बता रहे हैं आपको कि टाइप ऑफ माइक्रो होता क्या है। जैसे कि आप गए, कहाँ पे गए, डेवलपर पे, और आपने माइक्रो लिया और यहाँ से उठा के आपने रन कर दिया। तो रन जो किया है, माइक्रो है क्या? देखिए, माइक्रो बेसिकली दो तरह के होते हैं, दो नहीं तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पब्लिक माइक्रो, ठीक है, पब्लिक माइक्रो। अब पब्लिक माइक्रो में क्या है, जब आप माइक्रोज पे क्लिक करते हैं तो अभी देख पा रहे हैं कि ए माइक्रो हमारे बुक 2 की नहीं है, बुक 12 की नहीं है। ए माइक्रो TL नाम की एक फाइल है उसकी, उसमें बना हुआ है, समझे? लेकिन मैं इसको बुक 12 पे भी रन कर सकता हूँ। पब्लिक माइक्रो की खासियत यही होती है कि एक तो कोई भी इस फाइल को यूज करेगा वो सब कोई माइक्रो का यूज करेगा, मतलब जिसको मैं TL फाइल भेजूंगा वो सारे इस माइक्रो का इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है? तो ओके सर, साथ में जब तक TL फाइल ओपन है, यहाँ पे देखिए TL नाम का फाइल हमारा ओपन है, ये ओपन है TL नाम का फाइल। जब तक एक फाइल हमारा ओपन है तब तक मैं इन सारे फाइलों पे इस माइक्रो को रन कर सकता हूँ, ठीक है? वो ओके पब्लिक सर, माइक्रो होता है। सबसे पहले कि पब्लिकली शेयर होती है, मतलब कि जहां जहां मेरा फाइल जाएगा हर कोई माइक्रो इस माइक्रो को एक्सेस कर सकता है। दूसरा, जब तक वो फाइल ओपन है तो सारे फाइलों में इसको रन कर सकते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने TL वाली फाइल जो दिख रही है इसको सेव किया और कर दिया क्लोज, सेव करके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अब माइक्रो में जाके देखे तो माइक्रो है ही नहीं। मतलब कि अगर मुझे कोई ऑप्शन बनाना, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे कि पिवट टेबल है, इस तरह का एक फीचर तैयार करना, क्या सर? हाँ जी, जी, इस तरह का फीचर तैयार करना हो तब क्या होगा? तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग, मान जी लीजिए, मान लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने बनाया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले मुझे जिस फाइल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का माइक्रो रिकॉर्ड कर रखा है उसको करना होगा ओपन, ओपन करने के बाद करना होगा मुझे रन। ठीक है, ये तो हाँ प्रॉब्लम जी हो गई ना सर, सर। तो इस केस में हमारे पास आता है पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो का काम क्या है कि सबसे पहले जो कोडिंग है ना, वो कोडिंग को किसी फाइल के बैकग्राउंड में सेव ही नहीं करता है। जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, मोस्टली रिकॉर्ड में ही आता है, रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर्सनल माइक्रो। तो अब देखिए, अगर मैंने दिस वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया तो ये जो कोडिंग होगी इसी फाइल के अंदर सेव कर देगी। लेकिन जैसे पर्सनल माइक्रो हमने सेलेक्ट किया, एक वो क्या करेगा, एक फाइल ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर बनाएगा और उसके अंदर ये फाइल को सेव कर देगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मुझे हर फाइल के अंदर में वो माइक्रो दिखेंगे, हर फाइल के अंदर क्या दिखेंगे, वो माइक्रो दिखेंगे, ठीक है सर? हाँ जी सर, स्पेशली मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है, कि ये आपको जो है आप ही के पीसी पे चलेगा, क्योंकि सेव तो आप ही के पीछे ही हुआ है ना, क्या सर? हाँ जी, तो आप ही के पीसी पे चलेगा। अगर आपने, मैंने मान लीजिए किसी को फाइल भेज दिया तो उसके साथ उसका माइक्रो नहीं जाएगा, समझे? हाँ जी, तो इसमें आप अपने लिए ही बना सकते हैं। देखिए, इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है एड इंस। एड इंस क्या करता है, कोड को अलग कर देता है। अगर आपको किसी को भेजना है तो अपनी एड इंस भेज दीजिए उसको,
उसके बाद तीसरा आता है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो पूरा यूजर फॉर्म इसी इवेंट माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है सर, पूरा इवेंट माइक्रो के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इवेंट माइक्रो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि माइक्रो रन करने का कल तरीका बताया था कि हम यहां से रन करते हैं या कोई शॉर्टकट प्रेस करते हैं, ठीक है सर, हाँ तो हमारा माइक्रो रन होता है मतलब कि किसी कहीं पे यहाँ पे माइक्रो में क्लिक करके शॉर्टकट रन करके या बटन पे क्लिक करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल ओपन हो, ओपन होते ही रन हो जाए, क्या जी जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक करूँ तो मेरा माइक्रो रन हो जाए, जैसे ही कहीं पे मैं डबल क्लिक करूँ मेरा माइक्रो रन हो जाए, तो उस केस में हम इवेंट माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन। तो पब्लिक माइक्रो का तो पता ही है कि विजुअल बेसिक पे हम जाते हैं और विजुअल बेसिक पे जाने के बाद मॉड्यूल्स के अंदर में हम अपनी पब्लिक माइक्रो को कर लेते हैं, क्या सर, यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं और अपना आरआर या जो भी माइक्रो नेम देना दे दीजिए, ये आपका पब्लिक माइक्रो। तो यहाँ से आप पब्लिक माइक्रो देखिए आगे यहाँ पे आ गया ना, बुक टेन में आ रहा थी पलर के माइक्रो। दूसरा आता है रिकॉर्ड माइक्रो, आप एक इसमें पर्सनल माइक्रो, तो पर्सनल माइक्रो को मोस्टली रिकॉर्ड करके किया जाता है पर्सनल सेलेक्ट करके। एडिंग्स बनाना है तो कोडिंग कोड पहले सारा कर लीजिए, उसके बाद उसको हम सेव एज एडिंग्स कर देते हैं, तो सारा कोड बाहर निकल आता है, फाइल छोड़ के पूरा बाहर निकल आता है, ये आपका एडिंग्स होता है, ठीक है। तीसरा आता है इवेंट माइक्रो, कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बुक सीट टू पे करना है तो सीट टू पे राइट क्लिक कीजिए और जाइए व्यू कोड पे, और व्यू कोड में आने के बाद यहाँ कीजिए व्यू, सॉरी व्यू कोड करना था ना, हाँ व्यू कोड में, व्यू कोड जाने के बाद यहाँ आपको जिस सीट पे करना है उस सीट पे पहुंच जाइए डबल क्लिक जिस सीट पे, और यहाँ पे वर्कशीट और अपना इवेंट कि क्या हो, एक्टिवेट हो, बिफोर डिलीट हो, डबल क्लिक हो, राइट क्लिक हो, ठीक है ना सर, इवेंट डिलीट, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे जब आपकी कोड कंसेप्ट को शुरू किया जाए, समझ गए सर। हाँ जी, तो आपने सीखा कि माइक्रोज बेसिकली तीन तरह की होती है, पब्लिक माइक्रो जो कि ज्यादा 90% से ऊपर चीजों पर हम डिस्कस करते हैं, पर्सनल माइक्रो, लेकिन पर्सनल माइक्रो रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, पर्सनल माइक्रो की जगह पे हम एडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पर्सनल माइक्रो फिर डिलीट करना मुश्किल होता है। फिर आता है हमारा इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो क्या करता है कि कहीं भी आप क्लिक करते हैं, कहीं राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उस केस में आपका माइक्रो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाता है, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया, हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नो तो ये थी हमारी